नमस्कार, मैं हूं सौरभ बरासी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट। आज जो बायोफ्लॉक का प्रोबायोटिक, होममेड प्रोबायोटिक जो हम बना रहे थे, उसके विषय में मैं अपडेट दूंगा। ये वो प्रोबायोटिक है जो होममेड है, जो हमने बनाया है। ये देखिए, और ये दूध में हमने जो चावल का पानी मिक्स किए थे, वो है उसका रिजल्ट है कि ये आया है। इसके देखिए, नीचे वाइट है और ऊपर टॉप पे वाइट है। बीच में जो ये लेयर दिख रही है, ये है हमारा लैक्टोबैसिलियस, जो कि हमारे को जो हमारा एक प्रकार का छोटा सा, मतलब एक एक बैक्टीरिया का प्रोबायोटिक हुआ, जिसे हम मिला के हम प्रोबायोटिक बना सकते हैं। हम जो ये याकूत ढूंढने में, या जिनके पास नहीं मिल सकता है, जो प्रॉब्लम मुझे आई थी, तो मैंने इसीलिए इसे किया कि घर पे कोई भी याकूत का सब्सिट्यूट बना सकता है और ये याकूत से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये जो ये दिख रहा है बीच का, इसे हम इसे लगभग मुझे ज़्यादा दिन हो गए, क्योंकि मैं बाहर चला गया था तो ये रखा हुआ था जब से ही। जबकि 3 से 5 दिन में ऐसे दूध फट जाता है, और ये जो पानी है, ये हमारे पानी काम का है। इसको हम छन्नी वगैरह से छान के रख लेंगे। इस पानी का यूज़ आगे बताएंगे कि क्या होता है। बाकी याकूत जहाँ डलता है, अगर हम इसे डालेंगे तो वही काम होगा। ये याकूत का सब्सिट्यूट, ये घर होममेड याकूत मान के चलिए आप। मैंने इसलिए ये बनाया क्योंकि हमारे जो ग्रामीण भारत के जो किसान भाई हैं, वो अब मैंने खुद देखा, जब भोपाल तक में नहीं मिल पाया मुझे, इतना बड़े बड़े मॉल सिटी हर जगह मैंने ढूंढा पर नहीं मिला, तो ग्रामीण इलाकों में वो मिलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हाँ, फिर हमें लगभग वो क्या ऑनलाइन ऑनलाइन बनाना होगा, लेकिन ऑनलाइन भी हर जगह नहीं आ पाता, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई रूरल एरिया और बहुत सारे ऐसे एड्रेस ऐसे होते हैं, तो उसको हम उस पर डिपेंड ना रह के हम खुद ही घर पे बना सकते हैं ये। और ये हमारा प्रोबायोटिक था, जो कि हमने 100 रुपये के अंदर बना लिया है। लगभग 3 3 साढ़े 3 लीटर का है ये प्रोबायोटिक, जो हमने कंप्लीट कर चुका है। अब ये जो प्रोबायोटिक है, इस प्रोबायोटिक को हम फ्लॉक बनाने में इस्तेमाल करेंगे। हम उसमें पहले, माफ़ कीजिएगा, क्या है, सर्दी हो गई मुझे इस कारण से सफ़र पे। तो ये जो है, इसे डालने से पहले हमें 1,000 लीटर पे हमें चूना पहले डालना होगा। सबसे पहले चूना पीएच को बढ़ाएगा, पानी के पीएच को बढ़ाएगा वो चूना। तो एक दिन पहले हमें पहले दिन चूना डालना है। फिर चूना डालने के दूसरे दिन हमें गुड़ और नमक, पहले तो हमें पीएच चेक करना है। अगर पीएच जो है वो 7 से 8 के बीच में आता है नंबर में, तो ठीक है। अगर पीएच 7 से नीचे रहता है, तो हमें फिर से चूना को डालना होगा, ऐड करना होगा, और फिर उसे इरेशन देना होगा। हम जैसे ही पहली बार चूना डालेंगे, तभी इरेशन चालू कर देंगे। दूसरे दिन अगर पीएच लेवल सही है, तब हमें नमक मोलासेस डालना है, और अपना ये जो प्रोबायोटिक है, इसे मिक्स करना है, और फिर हमें 7 दिन तक इरेशन देना है उसे अच्छे से। और जब हमारा फ्लॉक जो है अच्छे से डेवलप हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें फिश छोड़नी है। तो वो प्रोसेस धीरे धीरे बताएंगे, आगे भी जो मैं कर रहा हूँ तो मैं बताता जाऊँगा कि भाई चूना कितना डालना है, गुड़ कितना, मोलासेस कितना। वैसे बहुत सारी, आज अब तो बहुत सारी अवेयरनेस हो चुकी है, कितना क्या है, सब रेशो तो मिल चुका है सबको कि कितना कितना क्या क्या मिलाया जाता है। बाकी ये आज ये जो है, इसे मैं निकाल के लिक्विड के फॉर्म पे रख लूँगा अलग, और इससे हम एक और प्रोबायोटिक अलग से बनाएंगे, जो कि जो मलेशिया में बहुत सालों से बन रहा है। जो हमारे दोस्त हैं मलेशिया में,
उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया है कि ये जो पानी है वाटर है, इसको हम नेक्स्ट जो प्रोबायोटिक बनाएंगे उनके तरीके का, जो ट्रेडिशनल वहाँ चल रहा है, जो चलाते हैं वो लोग, तो उस टाइप से हम बना के देखेंगे। वैसे वो सक्सेसफुल है, देखना क्या है, वो तो बन जाएगा खैर प्रोबायोटिक, उसमें भी ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगने हैं। ये सब लो कॉस्ट वाले हैं, ये सब प्रोबायोटिक जितने भी हैं जो भी मैं बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, अभी मैं वीडियो को पॉज करके इसका लिक्विड जो है इसमें निकाल देता हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये हमने अलग अलग कर लिया है, ये है पानी और ये है दही, जो कि हमने चावल के पानी और दूध को मिक्स करके बनाया था। और ये पानी है, इसे दिखाता हूँ, ये इसे ही हमें ये ही चाहिए है, और इसी से ही हमारा जो है हमारा काम होगा आगे के। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं कि इसका क्या यूज़ है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ, आगे और भी जानकारी मिलती रहेगी फ्लॉक के विषय में। और हाँ, फ्लॉक के लिए एक न्यूज़ है कि मैं जो मेरे पुराना सेटअप है उससे अलग एक दूसरी जगह में सेटअप जो है एक ऑलरेडी बना हुआ है, हैचरी जो चल रही है ऑर्नामेंटल की, वहाँ पर मैं इस प्रोबायोटिक का यूज़ करूँगा। जो हमारे आदिल भाई हैं उनकी हैचरी है, और वहाँ पर हम सीमेंटेड टैंक में ये फ्लॉक बनाएंगे तिरपाल डाल के, उसमें देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। आगे बहुत सारे उसमें डिवाइड छोटे छोटे टैंक हैं जिसमें हम हर मछली पे अपनी फॉर्मिंग के प्रैक्टिकल कर सकते हैं और आपको बता भी सकते हैं। तो आगे जुड़े रहिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आपके भी जो मित्र हैं जो फिश फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद होगी। हम अपने वीडियो में अपने चैनल पे कम लागत में छोटी छोटी चीज़ें और कुछ कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें भी बताते हैं जो दूसरे चैनल या दूसरे जगह पे आपको महंगी लगेगी, वो उसका सब्सिट्यूट मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। और भी कई चैनल है वहाँ पे भी आपको मिल सकता है, बट मुझे नहीं पता वो कौन कौन से हैं, बट मेरे चैनल पे आपको मैं कम लागत वाली चीज़ ही बताऊँगा। तो आपका शुक्रिया देखने के लिए, आगे मिलते हैं। कुछ फ्रेंड थे, उनका क्वेश्चन था कि जो मांगुर की लाइन होती है, वो बच्चे की लाइन, वो 100 लाइन, 200 लाइन या 1000 लाइन, 500 लाइन, वो क्या होती है और वो कितना बड़ा क्या होता है, कितना बड़ा बच्चा होता है। तो अभी हाल ही में मुझे शायद 3 या 4 दिन हुए जिसके लिए मैं बाहर भी था, तो मैंने 200 लाइन का बच्चा हमारे मित्र को डलवाया है, तो वो वीडियो में आगे जोड़ देता हूँ आपको। आगे आप देखेंगे कि वो जो बच्चा है वो कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना बड़ा है, और 1 किलो में अगर 200 बच्चे चढ़ते हैं तो उसे हम 200 लाइन बोलते हैं। 1 किलो में 100 बच्चे चढ़ते हैं तो उसे 100 लाइन बोला जाता है। मतलब ये है कि 1 किलो में जितने बच्चे भी चढ़ते हैं उतनी संख्या की वो लाइन कहलाती है। उसमें 1000 बच्चे, 500 बच्चे भी आ सकते हैं, वो 500 लाइन हो गया। 1000 बच्चे की भी 2000 बच्चे तक की लाइन आती है जो बहुत छोटा होता जाता है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा लाइन उतनी ज़्यादा सस्ती होगी, और जितनी कम लाइन का बच्चा होगा उतना महंगा होगा और अच्छा भी होगा, उसका सर्वाइवल रेट भी अच्छा मिलेगा, जल्दी से ग्रोथ भी होगी और कम समय लगेगा। तो आगे जो आप देखेंगे उस वीडियो में जो मैं अभी लगा दूंगा, जोड़ दूंगा इसके बाद में, तो माफ़ कीजिएगा, तो उसमें आप देख पाएंगे कि लगभग इतने साइज, इतना बड़ा जो है वो 200 लाइन का जो बच्चा है वो इतना बड़ा साइज़ है और अच्छे से वो दिख रहा है घूमते हुए। और हालांकि इस समय सीड जो है वो नहीं डलता है, लेकिन जो जिन पुराने लोग हैं जो अनुभवी हैं वो डाल लेते हैं, केवल हाई मांगुर का, बाकी अदर फिश का नहीं डल पाता है। तो आप देखिए किस तरीके से जो बच्चा है, ये 200 लाइन का बच्चा है जो डाला गया है।